हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब 2020। धान की खेती पार्ट 3 में मैंने आपको अपने माइक्रो खेत की पहली बाली निकलने तक के सफर में ले गई थी। अभी देखिए, लगभग सारे पौधों में बालियां आ चुक गई है। नजारा वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जो बालियां अभी पोटली में है वे अभी खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है। धान में जो हम आउटर कवर देखते हैं ये वही है। ये देखिए, जो बालिया अभी पोटली से बाहर आ चुका है और बिल्कुल हरी है। इस अवस्था में इसके अंदर दूध भर जाती है। बाली को तोड़ के इसको देखा जा सकता है। ये दूध वही कार्बोहाइड्रेट है जो फोटोसिंथेसिस से बनता है। धीरे धीरे ये बालियां सूखते जाते हैं और दूध हार्ड होते जाता है और महीने भर में ये चावल का रूप ले लेती है। इस समय खेत में पर्याप्त पानी होना चाहिए। बालियां निकलते समय पौधे को पोटैश की काफी ज्यादा जरूरत होती है, जो आप पोटैश वाली फर्टिलाइजर देकर पूरा कर सकते हैं। जैसे कि NPK 0050 सल्फेट ऑफ पोटैश, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा 0 होती है। मैंने अपने बैकयार्ड में म्यूरेट ऑफ पोटैश यानी पोटेशियम क्लोराइड को बालू में मिलाकर पौधों में डाला है, क्योंकि यहाँ आसपास के गांव में पोटैश की यूज नहीं होता है, इसलिए मुझे ये 0050 एग्री स्टोर में नहीं मिल पाई। इससे एक तो ग्रेन्स बालियों में अच्छी तरह भरता है और पौधे की रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ती है। कुछ किसान इस समय दोबारा यूरिया की छिड़काव करते हैं। ऐसे तो यूरिया सैपलिंग लगाने के 10 से 15 दिन में डाला जाता है। बाली आने के समय अगर आप यूरिया की छिड़काव करेंगे तब बालियां ज्यादा ना निकल कर पौधे बढ़ जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसलिए इस समय यूरिया का छिड़काव ना करें। सीडलिंग लगाने के 10 से 15 दिन के बाद काफी सारे खेतों में सिल्वर हेड की प्रॉब्लम देखी जाती है। इससे स्टेम में पोटली ना बनकर स्टेम हॉलो रह जाता है। यह एक प्रकार के कीट गॉलमेज के कारण होता है। मार्केट में अलग अलग ब्रांड के नाम से इंसेक्टिसाइड्स, जिसमें मेन केमिकल क्लोरोपाइरीफॉस और साइपरमेथ्रिन होती है, जो ये गॉलमिच को मारने के लिए यूज की जाती है। ये 1 लीटर पानी में करीब 1 ml इसको मिलाकर छिड़काव की जाती है। मैंने भी अपने बैकयार्ड में 3-4 धान के पौधों के स्टेम में ये नोटिस की थी, पर चूंकि और इसमें बढ़ोतरी नहीं देखी, इसलिए मैंने ये केमिकल की छिड़काव नहीं की थी। पर बालियां निकलते समय ये देखिए, ये हरे रंग का काफी सारे कीड़ा दिखने को मिला, लेकिन चूंकि बाली निकल चुकी थी इसलिए ज्यादा हार्ड इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव इस समय नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने नीम तेल का छिड़काव कर दी। इससे काफी असर तो दिखा है। मेरे बैकयार्ड में लगभग सारे पौधों में बालियां आ चुकी है और आने वाले 20 से 30 दिन में लगभग सारे बालियां पक जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।